तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ क्या हुआ अब अनलकी चिप्स में हमारा प्राइस निकला है और हमें मिला है कूलर गर्मी के दिन गए वो गर्मी के दिन गए मेरे तो भाग्य फूट गए जीजा जी किसी चीज पे तो आपका निशाना एकदम सही लगा इलायची जी हम निशाना कहीं और लगा ही नहीं रहे थे हाँ तो लगाइए ना क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए हैं जी ओह बड्डे भाभी अब तो कूलर वूलर एंड ऑल लक्की लक्की पार्टी लूंगी आपसे बड्डा भी सेल्फी ले लो ले लो जीजा जी वैसे तो अब हमारा पूरा का पूरा दिन आपके कमरे में ही बीतेगा जी जी मेरा मतलब है कि ठंडी ठंडी हवा में ना मेरे मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं तो जी बिल्कुल बिल्कुल इलायची जी ठंडी ठंडी हवा का तो मजा ही एक साथ मिल बांट के लेने में वो क्या ना इलायची जी कूलर में डलता है पानी तो जब भी आप ऊपर आएंगे ना तो एक बाल्टी पानी जरूर लेते आइएगा फिर हम लोग मिल बांट के अच्छी सी हवा लेंगे ओफो अच्छा ओ सेठ जी बात मजे ले लेके तू कूलर के मजे लेने की सोच रहे है जी सेठ जी तो सोच कूलर के मजे तो मैं लूंगा हाँ सेठ जी कूलर के मजे आप क्यों लेंगे चिप्स किसने खरीदा आपने पैसे किसने दिए आपके तो उसमें निकलने वाला इनाम किसका हुआ आपका आप नहीं सेठ जी नहीं नहीं आपने आपने कहा था कि चिप्स आपके और इनाम हमारा आपने यही कहा था अच्छा हाँ? मैंने तो ये भी कहा था कि ये मकान और दुकान अपना समझ कर काम करियो तो ये मकान और दुकान तेरा हो गया बोल पापा हाँ? क्या है ये क्या बड़ी गलत बात है आपकी जुबान नाम की भी एक चीज होती है यार अब जीजी की जुबान दी है तो पलट नहीं सकते आप प्लीज ऐसे प्लीज ना ना पलटने का हक तो सेल्फी ना ना पलटने का इलू सेल्फी ना ना पलटने का इलू सेल्फी पलटने पल पलटने का हाथ तो सिर्फ तेरा है मेरा थोड़ा ही है हर साल वादा कर देती है मुझसे इस बार पास होकर दिखाऊंगी इस साल वो वादा निभा दे मैं भी अपना वादा निभा दूंगा और मनोज दिल्ली के सारे चिप्स खरीद लिए निकला है नाम जी जी मेरे ना वो सर में बहुत दर्द हो रहा है तो गर्मी बाहर है मैं थोड़ा टहल के आता हूँ ना ना खोल खोल सारे 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 खोल कुछ निकल गया शायद जहाज निकल गया जहाज ऐसे उड़ेगा मेरे तो भाग्य फूट गए साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ हम लोग कुछ दिन के लिए कश्मीर चले क्या अगर साहब पूछेगा तो बोल देंगे कि हम चोर पकड़ने जा रहे हैं मंगीलाल जी सर अगर तूने इस वक्त ये वर्दी ना पहनी होती ना तो तेरे गाल जो है वो मैं तवे से भी ज्यादा गर्म कर देता कत्तार एहसान फरामोश ड्यूटी के नाम पे तू ऐश करना चाहता है मैं पिंकी जी देश का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं वाह साले और ये तूने मुझे चौधरी की दुल्हन ने बना रखा है उसका क्या साहब जी मैं तो ये पूछ रहा था ये आम पन्ना किसके लिए बना रहे हैं आप मतलब क्यों बना रहे हैं गुड क्वेश्चन मांगीलाल अब सरकार ने तो हमें इस लायक समझा नहीं कि हमारे थाने में भाई एक एसी लगवा दे तो अब यही बचाएगा और क्या हाँ तूने तो चंबल के खतरनाक डाकू को पकड़ के गवर्नमेंट के हवाले किया ना जो तेरे लिए एसी लगवाएंगे साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि सरकार को ना आप जैसे बहादुर
और कर्तव्य को अपना बाप समझने वाले जाबाज ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हो रही है आपके साथ। मंगीलाल जी सर, उधर अंडे पड़े हैं। अंडे मैं ना सेकूंगा। अरे पगले, तुझे अंडे सेकने कौन बोल रही है? मैं तो ये कह रही हूं कि वहां जा और अंडे की भुर्जी बना के ला। यहाँ ये पन्ना भी रेडी है, भुर्जी भी होगा, मस्त खाएंगे। खाएंगे एकदम। जा ले क्या? जी सर। गुड बॉय। कितनी गर्मी हो रखी है, सत्यानाश हो गर्मी का। उफ, बैठा ना जा रहा। अच्छा जब ठीक है लेके आ रहा है भुर्जी, तब तक जरा आराम कर ले पिंकी जी। कितनी बदबूदार हो रखी है बनियान, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अरे बाप रे, गर्मी है, शरीर से देख कैसे तापमान उठ गया बहुत। साहब जी गिरांड। धुआं धुआं हो रही है सर जी। सनी साइड अप हो गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अबे गिर जाएगा। ले अबे हट। अरे सुन टमटम। सर जी पंचम। अरे हाँ पंचम, देख तेरे भाग्य से आया है ये, तो तू इसका रिबन काट ले। ले भाई काट। नहीं सेठ जी आप कर लीजिए। अरे काट ले, तेरे भाग से आया है। कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जा। कमर उठा के बाहर रख दे। चल ए मनु, रखना उधर, कवर निकाल के उधर रख दे। अरे वाह, क्या बात है, अब कर ले पूजा। एक मिनट लाइजी, क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? अरे ये नारियल इसके ऊपर मत फोड़ दियो, कूलर के ऊपर। मैं इतने भी पागल ना हूं तो कितनी है। अरे मजाक कर रहा हूं, तू भी ना एकदम रो पड़ी है। आज मत रो, खुशी का दिन है, कूलर आया है घर में। अरे सुन टमटम। सेठ जी पंचम, देख तेरे भाग्य से आया है ये कूलर, तो तू रख ले इसे। आप सेठ जी, आप ओ, ओ, मामा जी सॉरी। अरे हटो सेठ जी। अरे ठीक है, मिल गया कूलर मिल गया। सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ले पूरा रख ले। बहुत बड़ा दिल है मेरा। हाँ हाँ बहुत बड़ा दिल है, पूरा कूलर ही समा जाएगा। क्या कहा तूने? आप कुछ नहीं सेठ जी, धन्यवाद सेठ जी धन्यवाद। हाथ लगा चल आजा। अरे का नौकर हूँ तुम्हारा। नौकर हूँ तुम्हारा, बैठ बैठ का कभी कभी हवा। अरे एक मिनट आराम से। आराम से ले रहे हो तुम, ना ले पा रहे हो यार। नया है नया। हाँ तो ठीक है नया यार, ऐसे कर रहा है तू भी। इलायची तुझे ठंडी हवा खाने के मन करे ना तो मेरे कमरे में आ जाना। हाँ नहीं मम्मी, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती है। अब जाओ ब्रेड पकौड़े तलो। हाँ अभी लाइए। चलो बुबू। यार सुनो,
पापा ने बड़ी गंदी वाली चीटिंग की है जीजा जी के साथ. मतलब इनाम में कूलर जीते जीजा जी और मतलब हवा के मजे लिए पापा. हाँ यार हीलू, लेकिन अंकल जी कूलर वापस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे ना. तो उनका मूड बनाना पड़ेगा बेटा. अरे यार इतनी अमीर पार्टी, मोटी पार्टी है, मेरे पापा एसी अफोर्ड कर सकते, लेकिन नहीं, फिर भी जीजा जी का कूलर हटाया इन्होंने. लेकिन मैं भी बता रही हूँ यार, मैं भी वादा करती हूँ तुझसे कि इस कूलर की हवा तो मैं जीजा जी को खिलवा के रहूंगी. हाय, मतलब आज से जीजा जी और पिंटे भाभी अंकल जी के साथ सोया करेंगे? पागल है क्या? नहीं अरे यार, बल्कि ये कूलर ना सीधा बरसात ही में उड़ कर जाएगा, वो भी आज रात को. सच्ची? हाँ. वाओ दैट्स ग्रेट हीलू. हीलू सेल्फी. अब देख लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा की. चल चल तैयारी करते हैं. आजा. करू सुनना करू. अरे सो गई क्या? नहीं यहाँ बैठ के रोटियां बेल रही हूँ. क्या है इलायची के पापा, सोने दो ना. अरे तो मैं कौन सा तुझे उठा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ठंडी हवा में सोने का मजा ही कुछ और है ना करू. हाँ, बात तो तुमने सही कही लची पापा. शादी के इतने सालों बाद ठंडी हवा में सोने का मजा मिल रहा है, वरना इतने सालों से तो दूसरे के घर के एसी और कूलर देख के ठंडी ठंडी आहें ही भरती थी मैं. सही कह रही है. सुन करू, थैंक यू ना बोलेगी अपने मरू को. इलायची के पापा तुम भी ना, ठंडी ठंडी हवा में तुम्हारा जोश कम ना हुआ. वैसे ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी ठंडी हवा में कश्मीर की वादियों में पड़ी हूँ. आय आय, सुन कश्मीर की हवा तो तूने खा ली. अब सुबह सुबह ना मैं तुझे कश्मीर की कुछ तस्वीरें ऐसे दिखा दूंगा तो तेरी शिकायत भी खत्म हो जाएगी कि मैंने तुझे कश्मीर मत घुमाया. बस यही पड़े पड़े पूरी दुनिया की सैर करा दो मुझे. अच्छा छोड़ो, मुझे सोने दो और इस ठंडी ठंडी हवा में मत होश हो जाने दो. अरे मदोस तो ठीक है, कहीं बेहोश मत हो जाइयो कुछ के मारे. करू ये बताइए, कश्मीर से राजस्थान कितनी दूर है? है तो बहुत दूर, लेकिन ऐसा कम लग रहा है कि इतनी जल्दी हम कश्मीर से चलते चलते जो है राजस्थान पहुंच गए. बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो. अरे हाँ इलायची पापा, ये कूलर अचानक हीटर कैसे बन गया? अरे तूने बंद तो ना किया? अरे तू भी चलाओ कूलर, चलाओ कूलर, ले चला रही हूँ. करू करू कूलर कहाँ चला गया? ये कूलर ही ना है ना. क्या बोल रहे हो इलायची पापा? देखना. अरे कहाँ चला गया इलायची के पापा, कूलर कहाँ गया? अरे मुझे क्या मालूम कहाँ चला गया. तुमने छुपाया होगा. मैं छुपा लूंगा उसे, जेब में रख लूंगा क्या, बात कर रही बेकार की. छुपाया होगा, तेरे साथ सो रहा हूँ, छुपाया होगा. चला कैसे गया, कहाँ चला गया? एक मिनट ले ले. हाय मेरे डब्बा. अरे ना तेरे गया. ओह ये हाय. एक सेकंड. जीजा जी छत पर है, उठो. अरे खोल भाई जल्दी, क्या करने आए यार इतनी रात में? क्यों है जीजा जी? भाभी देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए. क्या है लाइजी जी, पहले इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी, ऊपर से आप आधी रात को डिस्टर्ब कर रही हैं. देखो ना. लाइजी जी ये क्या है,
ये ओट है, हम बस पूछने आते हैं आपके घर में घास है क्या, तो हम इसे घास खिला देंगे। अरे आप भी ना जीजा जी। इलायची जी, हमें पता है कि ये कूलर है, पर आप इसे यहाँ पर क्यों ले आई हैं? ये लो, एक तो हम चुरा के लाए, मतलब इतनी मुश्किल से छत पर चढ़ा के लाए, और पूछ रहे क्यों लेके आए। जीजा जी, ये आपके लिए, क्योंकि आपका हक है इस पर। देखिए इलायची जी, हमें इस कूलर की ठंडी हवा नहीं चाहिए, वरना हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपसे प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप प्लीज इसे ले जाइए, हमारी नौकरी भी जाएगी, हम गर्मी सहन कर लेंगे, आप ले जाइए प्लीज, हमें नहीं चाहिए ये कूलर। देखो जीजा जी, मैं इस कूलर को तो ले जाने से रही, एक काम करो, जाओ पापा से बोल दो कि मैंने चुराया, जाओ बोलो। बिल्कुल सही कहा आपने, यही कहेंगे हम, और इस बार हम आपकी बातों में नहीं आएंगे इलायची जी। ठीक है, मत आओ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। टंटे बहुत गर्म हो गए हैं। ओह माय गॉड, पुलिस कहां से आ रही थी रात को? क्या पुलिस? हाय रब्बा, पुलिस। अरे तो हमने चोरी थोड़ी की है। अबे लेकिन पुलिस, अरे हमारे यहाँ नहीं आई होगी। एक छत लीजिए, आ लीजिए। ओके और ओके, बहुत बढ़िया। और आइए आइए आइए, संभल आराम से। हाँ पकड़ गया, चिंता ना करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाइए। अबे बंगीलाल, उस कंजूस मुरारी सेठ के यहाँ पहुंच गया क्या? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बोल नहीं रहा तू कुछ? अरे मंगीलाल, हम लोग मुरारी सेठ के यहाँ पहुंच गए, तूने बताया क्यों नहीं? खाने वाली जगह तो तू दूर से ही सूंघ लेता है, अब तेरी नाक में नेवला घुस गया साले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप ना आंख बंद करके सूंघ के जगह पता लगा रहे हैं। आप होशियार है। हाँ वो तो है मंगीलाल। खैर मुरारी सेठ, किस लिए बुलाया पिंकी जी को आपने इतनी खोलती हुई गर्मी में? दरोगा जी, इतनी खोलती हुई गर्मी से निपटने के लिए मैंने एक नया कूलर लिया था। अब आपके रहते इतनी रात को वो कूलर मेरे घर से कोई चुरा के ले गया, बताइए। अजीब बात कर रहे हैं सेठ जी, अब चोरी तो रात के अंधेरे में ही होती है ना। अब चोर जो है वो मुर्गे की बांग का इंतजार थोड़ी करेगा चोरी करने में। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हुआ पापा, पिंकी अंकल इतनी रात को रेसिपी लेने आए मम्मी से? रेसिपी से याद आया, भाभी जी वो आप स्पेशल आम पन्ना बनाने वाले थे, वो बना लिया तो पिला दें। अरे दरोगा जी, आम पन्ना छोड़िए, काम की बात करिए, बताइए। पहले दिन पहली रात हमने जो है नया कूलर अपने कमरे में लगाया, किसी की नजर लग गई उसपे। भाई ये तुम्हारा नाम क्या? पंचम। गर्मी तो यहाँ सबको लग रही है, तो तुम्हारा शरीर क्यों पसीने का फुआरा बने जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। तो तुम्हारा शरीर क्यों पसीने का फुआरा बने जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आप वो क्या है ना पिंकी दरोगा जी, वो आप गर्मी बढ़ी है ना, तो वो हमें गर्मी बड़ी लगती है, बल्कि हम तो अचानक से नींद से भी उठ गए और पसीना आ गया। ये देखिए बड़ा पसीना आ गया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अच्छा, और कोई बात है या नहीं ये भी अब तुम बताओगे पिंकी जी को, है? तुम बताओगे तो क्या पिंकी जी यहाँ फेस पैक लगाएंगे? नहीं। अरे मंगीलाल, पसीने के कारण फेस पैक सूख नहीं रहा यार। खैर मुरारी सेठ, एक काम करो, उस कूलर की कंपनी का नाम और मॉडल नंबर जल्दी से बता दो। मंगीलाल लिख। जी देखिए दरोगा जी, वो क्या है कि हीलू सेल्फी। दरोगा जी वो क्या है कि मुझे हीलू सेल्फी। दरोगा जी
वो क्या है कि हम इलू सेल्फी वो क्या है ही? वो क्या है ई जी उसकी कंपनी और मॉडल नंबर तो मुझे नहीं पता लेकिन लकी चिप्स में निकला था वो बस अच्छा आपका कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी यहां सिखवाते हुए चले आए और आप जो है यहाँ मुफ्त के कूलर की बात कर रही हो सेठ जी दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप है? इस खोलती हुई गर्मी का हाल तो आप देख ही रहे हैं ना अब वो कूलर मुफ्त का हो या पैसों से आया हो इससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन ये है कि आप उसे खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं और आप कर दीजिए प्लीज दरोगा जी हमारा कूलर ढूंढवा दीजिए ना आपकी वो स्पेशल ठंडा है ना वो मैं भिजवा दूंगी थाने में वो जो पहले के अरे वाह वाह बहुत सुहा भाभी जी एक काम कीजिए ना उसमें इस बार बादाम का कुछ टुकड़े एक्स्ट्रा डाल देना देखो मुरारी सेठ बात यह है कि आप लोगों की मदद करना पिंकी जी का फर्ज हो रहा है और भाभी जी आपकी ठंडी का वाला पिंकी जी कैसे मना कर सकते हैं तो इसलिए आप पिंकी जी यहां से जा रही है जैसे ही आपके कूलर की कोई खबर लगेगी आपको बता दिया जाएगा बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं चलना मंगीलाल फेस पैक सूख रहा है चलिए वो बैकवर्ड जंपिंग इज गुड फॉर हेल्थ है तो हम आज वो ट्राई करते हैं करेक्ट गुड बॉय कम ऑन लेट्स गो मूव और सुना तुम दोनों क्या कर रहे थे तुम दोनों ऊपर वो पापा यूनिट टेस्ट है ना कल केमिस्ट्री का तो मैं जीएल जी के साथ अपनी केमिस्ट्री बना रही थी हैं जी मेरा मतलब है केमिस्ट्री सीख रही थी मैं जीजा जी से बहुत अच्छे हैं केमिस्ट्री में है ना ये नुकल टेस्ट है तुमने बताया कुछ भूल जाती अच्छा सुन केमिस्ट्री का पेपर है उसका तू जानती है केमिस्ट्री क्या होती है नहीं है अबे सुन जी तेरे पसीने की टंकी जो है वो बहुत ज्यादा लीक कर रही है आज